यहाँ पे बहुत ही जोर से बारिश हो रही है, तो हमने सोचा हम व्लॉग करेंगे। यस, व्हाई नॉट। या और आज है 19th of June और कल हमारे डैडी का बर्थडे है, सो शायद हम लोग व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, आई एम नॉट श्योर। या बट देखते हैं, बट अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आप नेक्स्ट क्लिप देखो। Guys, look at this situation. Look at this. हटो। ये देखो, देखो कितनी जोर से बारिश। और ये देखो गाइस, बाहर आवाज़ कैसी आ रही है, वेदर देखो कितना मस्त है। बारिश रुक नहीं गई है, वैसे थोड़ी बहुत आ रही है, बट पहले से कम आ रही है। पूछा पहले से कम आ रही है। मैं यहाँ पे पंखे के बिना बैठी हूँ, इतनी अच्छी ठंडक है, मुझे मज़ा आ रहा है। हटना है अब मेरी बात। नो, फोन गिरेगा फोन। ये आवाज कितनी आ रही है, डर डर डर। किसी की वेट कर। अभी हम क्या करने वाले हैं? ये बनाएगी चाय और मैं शायद बनाऊंगी कोल्ड कॉफी, आई एम नॉट श्योर। मैं दिखने रही हूँ ऐसे वेदर में, मैं शायद कोल्ड कॉफी बनाऊंगी और ये तो चाय बनाने जा रही है। जा, धक्का मार दिया गया। मैं आ गई पीछे से अटैक करने। Hey guys, good morning. और ये रही है गुड मॉर्निंग। सो हमने रात को तो आई डोंट थिंक सो कुछ किया था, पकोड़े खाए थे बाद। सो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बिकॉज ये सब खाते लुक एट दिस टमी। मैं नहीं कर रही हूँ, लुक एट दिस। सो एक्सरसाइज करेंगे एंड देन हिच क्या है पता नहीं, बट फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे। सो लेट्स डू दैट। सो गाइस, आई एम डन विद माई एक्सरसाइज और बहुत ही गर्मी लग रही है, सो आई एम गोना क्विकली टेक अ शावर। सो गाइज, आई जस्ट टुक शावर एंड मैंने अपने हेयर भी वॉश किए, बिकॉज बहुत बहुत खराब लग रहे थे और अभी तो ज़्यादा ही खराब लग रहे हैं, बिकॉज दे आर वेट, दैट्स वाई। सो नाउ गोना हैव माय ब्रेकफास्ट, आरती इज गोना सर्व मी। थैंक यू, बहुत सारी चाय है। एंड यस, हम लोग डैडी के बर्थडे में इतना कुछ करने वाले, बिकॉज उनकी हेल्थ इश्यूज थे थोड़े बहुत, ही जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम दैट, सो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लाइक जस्ट चिलिंग। एंड व्हाट आर यू डूइंग? She is just folding clothes because mom told her to do that. That's why she is doing. And she is roaming around me. Why are you doing this? Because I want to irritate you. Guys, आप बताइए हमें comment करके क्या हमें करना चाहिए irritating my sister for 24 hours. No way. मैं कभी नहीं irritated. Please comment. They look so bad, like look at you. Both the shades are same, but this one is like some lavender color and this looks like some blue color and this one is like, I just don't know.
और गाइस हम इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके फॉलो कीजिए. व्हाट इज दिस नहीं वी आर नॉट दैट मच बट वी आर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम सो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. या प्लीज हैव आवर ब्रेकफास्ट. आई एम हैविंग थेपला एंड चाय. तो हमने वैसे हम लोग केक नहीं ला सकते थे क्योंकि डैडी को शुगर खानी अलाउड नहीं है. सो हमने नहीं मम्मी ने घर पे शुगर फ्री सूजी का हलवा बनाया और हमने ऐसे उसको केक का शेप दिया. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. इसका क्लोजअप दिखाएंगे. यस दिस लुक्स वेरी गुड. सो अभी ये डैडी कट करेंगे. हम इंस्टाग्राम के लिए रील्स फिल्म करने जा रहे हैं और हम पहली बार आउटडोर शूट करेंगे. यस वी आर एक्साइटेड एंड लिटिल बिट नर्वस बिकॉज अगर कोई देखेगा हम उससे से डांस करते हुए तो दोनों बट छोड़ो क्या ही फर्क पड़े. यस सो गाइस अभी हम लोग गए थे शूट करने और हम से एक घंटा हो गया पर हम सिर्फ एक रील शूट कर पाए बिकॉज़ बाहर पता नहीं दो तीन लोग थे वो देख रहे थे हमें और उसमें तो ठीक है था हम लोग ने तो भी कर दिया बट क्या बोलते हैं बाहर बहुत हवा रही है. देखो ये बाल की हालत मैंने तो बांध दिए बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई बाल की. तो हमने सिर्फ एक डांस वीडियो शूट की है रील के लिए एंड दो फोटोज़ लिए हैं. सो गाइस अभी लाइक हम दोनों ने फेस वॉश कर लिया हमारे फेस पर कुछ नहीं मेकअप क्रीम कुछ नहीं. अब हम लगाएंगे ये ठंडा एलोवेरा जेल. बेसिकली इसके पीछे स्टोरी ये है मेरे पास ये ऐसा डब्बा पड़ा था खाली सा इसमें मैंने लिया एलोवेरा जेल वो सारा भर दिया और फ्रिज में रख दिया तो लाइक बहुत मज़ा आता है ये लगाने में. मैं रोज़ लगाती हूँ ये और ये बहुत ठंडा लगेगा है ना. नहीं दूसरे की स्किन ने हमको टच नहीं करना चाहिए कर सकते पर नहीं करनी चाहिए. दिस लुक्स नाइस. मैंने फेस वॉश किया था ना अब भी ये पता नहीं कौन सा रबर मिल गया तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया. लेकिन मैं बहुत कम लगाती हूँ हमें कोई ऐसा लगता है मुझे पिंपल ज़्यादा हो गया. मेरी स्किन मुझे स्मूथ लगती है इसलिए मैं लगाती हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइस इट वर्क्स फॉर मी. यू शुड ऑल्सो ट्राई इट. बस कोई से भी कंटेनर में आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल के फ्रिज में रख दो